अस्सलामुअलैकुम, आप सबका स्वागत है हिना किचन एंड व्लॉग्स में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए होममेड गरम मसाला। मैं कैसे रेडी करूँगी मैं आपको आगे दिखा रही हूँ, तो इसलिए फुल वीडियो फॉलो करिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जो हमारे चैनल में न्यू है वो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं बनाने वाली हूँ गरम मसाला, बहुत ही खुशबूदार और स्पेशल गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है। आप लोग बाहर का गरम मसाला यूज़ करते होंगे, पाउडर गरम मसाला, बट आज मैं आपको घर पे बनाना बता रही हूँ कि आप घर पे भी गरम मसाला बना सकते हैं। ये जो गरम मसाला मैं बताऊँगी, ये आप चिकन में, बीफ में, मटन, ये आप सब में डाल सकते हैं। गरम मसाला आप अपने खाना में डालिएगा, इतना स्वादिष्ट आपका सालन बन के रेडी होगा कि आप बाहर से भी लाना छोड़ देंगे, इतना यमी बनेगा। तो चलिए मैं आपको गरम मसाला में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए और स्किप ना करिए। 4 टेबलस्पून बड़ा इलायची, 4 टेबलस्पून छोटी इलायची, 4 तेज़पत्ता, 1 जायफल जिसको नटमेल भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून लौंग, 1 टीस्पून कबाब चीनी। अगर इसको ये आपको नहीं मिलता आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 पीस स्टार एनीस, इसे बादियान के फूल भी कहा जाता है। 2 टेबलस्पून दालचीनी, सिनेमन स्टिक, 2 टेबलस्पून जावित्री का फूल। तो देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, आप इसमें कम बेसी आप अपने अनुसार कर सकते हैं जितना आपको बनाना है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ कि ज़्यादा दिन चले, आप कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं घर पे। तो देखिए ये सारा मैंने निकाल लिया है, अब इसको मैं लो फ्लेम में सॉटे कर लूँगी। जब मैं सॉटे करूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आगे का मैं प्रोसेस बता दूँगी। तो देखिए मैंने कढ़ाई में सारा मसाला डाल दिया है और इसको मैं इसको लो फ्लेम में करके 10 मिनट तक इसे सॉटे करेंगे कि ये सारा अच्छे से सॉटे हो जाए और गर्म हो जाए। उसके बाद इसको ठंडा करके मैं इसको ग्राइंड करूँगी, स्मूथ पाउडर बना लूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी। इसको 10 मिनट तक मैं सॉटे कर लेती हूँ। तो देखिए 10 मिनट लो फ्लेम में मैंने सॉटे कर लिया, उसके बाद मैंने एक बर्तन में निकाल के रख लिया है कि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए, उसके बाद मैं ग्राइंड करूँगी। ज़्यादा गर्म में ग्राइंड करने से इसका जार गरम हो जाएगा तो फिर सही ग्राइंड नहीं होगा, इसलिए मैं इसको लो, क्योंकि फिर जब इसका जार गरम हो जाएगा तो ये मसाला जल जाएगा, फिर वैसा खुशबू नहीं रहेगा इसमें, इसलिए इसको रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी और इसको स्मूथ पाउडर की तरह बना लूँगी। तो देखिए मैंने जार में ले लिया है ये रूम टेम्परेचर में आने के बाद। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक इसलिए मैंने डाला है कि इसको आप अगर 6 महीना भी रखिएगा तो ये गरम मसाला आपका ख़राब नहीं होगा, इसका सेल्फ लाइफ बढ़ा हुआ रहेगा, ज़्यादा दिन तक आप रख सकते हैं इसको आप स्टोर करके भी। अब मैं इसको बहुत ही स्मूथ पाउडर बना लूँगी ग्राइंड करके, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने फाइन पाउडर बना लिया है और इसको मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में मैंने बंद कर लिया है। इसको आप 6 महीना तक आराम से रख सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने नमक डाला है, इससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो हमारा खुशबूदार गरम मसाला रेडी हो चुका है, ये आप कोई भी सालन में डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही यमी बनकर आपका सालन रेडी होगा। ये इतना खुशबूदार है कि अगर आप 1 kg मीट बना रहे हैं, कोई भी सालन बना रहे हैं, उसमें 1 टीस्पून आप गरम मसाला दे दिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशबूदार आपका सालन बनके रेडी होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि आगे आने वाली और प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपसे मिस हो सकती है। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।